पहले पानी से इसको पेपर को गीला किया जाता है ताकि बैकग्राउंड में जो कलर है वो अच्छे से मिल जाए। और ये टेम्परा कलर है जो 20 रुपये मिलता है। कभी भी ऐसी आकृति अगर बनानी हो तो सबसे पहले मोस्ट होता है आप बैकग्राउंड को अच्छे कलर और लाइट में बनाएं ताकि ऐसा लगे जो कलर उभरा हुआ हो, पीछे की तरफ से रोशनी आ रही हो। अब यहाँ लाल रंगों का उपयोग किया गया क्योंकि ऊपर से जब नीचे की तरफ हल्का हल्का गाढ़ा करके जब नीचे की तरफ लाएंगे तो लगेगा कि कहीं से कलर की कम्बिनेशन बहुत अच्छे से सेट खा जाती है। और मल्टी कलर का उपयोग करने पे और अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह पड़ जाती है कि हमारे पास जो यह टेम्परा कलर है इसमें रंगों की कमी हो गई थी और इसके कारण हमें कई रंगों को मिक्स करना पड़ा। वैसे देखते हैं कैसे आगे क्या होता है, कैसे इमेज निकल के आ रहा है। और काला रंग तो ज़्यादा उपयोग होते हैं पर काला रंग तो मेरा बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। काला रंग को बनाने के लिए हमें नीला, हरा और लाल को मिक्स करके हमने काले रंग को तैयार किया और थोड़ा सा काला पहले से था भी उसमें डाल दिया तो एकदम काला हो गया। और अगर पीला रंग होता तो और अच्छा लगता क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो हल्के हल्के पीले रंग से अगर उतार के और नीचे जो पानी हमने बनाया है उसमें भी हल्का हल्का पीला अगर बनाते तो अच्छा लगता। सूरज में भी पीले का रंग उपयोग किया जाता लेकिन हमारे पास रंग था ही नहीं तो इसीलिए हमें जो उसमें चमकने वाला रंग होता है उसको हमने यूज़ किया। वैसे ये पॉलिश के रूप में बड़ा अच्छा लग रहा था जब ऊपर हमने ऐसे ब्रश से पॉलिश किया तो। और देखिए कैसे साइन आ रही है। और सफ़ेद रंग से हम यहाँ पे पानी के अंदर कुछ निकाल लाने की कोशिश किया और ब्रश से हमें लास्ट में मिलान की। और नाव के लिए भी काला रंग समाप्त हो गया था तो हमने यहाँ भी काले रंग का फिर से बनाया और नाव की परछाई हमने बना दिया। पहाड़ पानी का पानी में पहाड़ की जो छाई होती है उसको भी हमने यहाँ पे बनाया और ब्रश पानी लगा के हमने इसको मिलाई ताकि अच्छे से उसका शेडो दिख पाए। सॉरी दोस्तों इसके लिए कह सके कि बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा, केवल रंग के अभाव के कारण हमारे पास काफ़ी समस्याएं थी। और अगला वीडियो लाएंगे उसमें काफ़ी अच्छा मतलब कलरों का मिक्सिंग करके। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पेज भी काफ़ी बड़ा था, A4 साइज़ का 4 पेपर थे इसमें। ऐसे ही वीडियो अगर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल 20 रुपये के टेम्परा कलर में इतना अच्छा दृश्य बन गया। कलर कम नहीं पड़ते लेकिन हमारी जो भतीजी है उसने रंगों का गलत उपयोग कर लिया, केवल 4 साल की है। ये पहले हमने पेंसिल से लाइन बना के उसके बाद हमने कलर से घोड़े के ऊपर एक लड़की को बनाया। और हरा रंग ज़्यादा देखने में नहीं सुहाने लग रहे थे और उभरे नहीं दिख रहे थे तो इस पर काले रंग ही जचते, जिस कलर से पेड़ है, नाव है, जो ये पहाड़ी है तब अच्छा लगता। लेकिन इसी कारण से हमने इसको हरे रंग से बनाया क्योंकि हमारे पास केवल हरा ही रंग बचा, बाकी सब रंग ख़त्म हो गए। लेकिन दोस्तों लास्ट में हमें बड़ा अच्छा लगा देखने में। और आप बताइए कमेंट में कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।